आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6। द आयनाइजेशन सिंगल आयनाइज हीलियम एटम। अब देखो यार, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम का निकालना है, सिंगली आयनाइज्ड। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी की पॉजिटिव जो वैल्यू होती है, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी जो टोटल एनर्जी है, उसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है, मतलब प्लस 13.6 एन जेड स्क्वायर प्लस 13.6 यहाँ से, और 13.6 और ये एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर ये। तो हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये आपको दे दिया गया है 13.6। तो हीलियम के लिए जब लिखोगे, तो हीलियम के लिए लिखोगे तो प्लस 13.6 और हाइड्रोजन के लिए ये सब वन हो जाएगा, तो हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे एन की वैल्यू 1 के लिए ही पूछ रहा, मतलब 4 टाइम्स आ जाएगा, मतलब डी ऑप्शन सही है, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आसान सवाल है, नहीं आया समझ में। देखो आयनाइजेशन एनर्जी लिख लो ना, टोटल एनर्जी लिख लो, एक बार हाइड्रोजन के लिए लगा दो, एक बार प्लस इसे हीलियम के लिए लगा दो, एन इज इक्वल टू 1 के लिए दोनों के लिए।